अब अपना करियर किक स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, वो भी 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कई स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। आपको कोई प्री कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स आपको आपकी इस करियर जर्नी में साथ देंगे। येलो गैप एजुकेशन सोसाइटी ने अडोबे और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है। अगर आप करियर को लेकर परेशान है तो यहाँ आपको 100% फ्री करियर काउंसलिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉन्टैक्ट करें। 22 जनवरी को राम यात्रा के दौरान कल्याण में भी हुआ टकराव और तनाव। बाजारपेट पुलिस स्टेशन के बाहर हिंदुत्ववादी संगठनों ने लगाए बेहद आपत्तिजनक नारे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, मगर इस कार्यक्रम को देश भर मनाने का जो सरकारी आह्वान किया गया था और धार्मिक तथा हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किया गया था, उसके चलते जगह जगह राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते राम यात्राएं, जुलूस, शोभा यात्राएं आदि का आयोजन किया गया था। इन आयोजनों में मुस्लिम इलाकों से जानबूझकर घुसकर वहां पर भड़काऊ नारे, आपत्तिजनक नारे और बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त इस तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे थे और इन्हीं के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़े, टकराव हुआ, तनाव बना। ऐसी ही तनाव की खबर 22 जनवरी को कल्याण के दुर्गाड़ी किले परिसर से भी सामने आई है। कल्याण बाजारपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस दुर्गाड़ी किले से जब राम यात्रा की कुछ गाड़ियां, कारें हैं और झंडे लेकर के युवक निकले हैं, अब वो चिराग होटल से आगे बढ़ करके सटे हुए मुस्लिम मोहल्ले में जाते हैं तो वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, जिसके चलते दोनों गुटों के बीच, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच यहाँ पर टकराव होता है, तनाव होता है। उसका पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तनाव और टकराव हुआ है। उसके बाद दोनों तरफ से कल्याण बाजारपेट पुलिस स्टेशन में शिकायतें दी गई है और ये शिकायत देने के वक्त हिंदुत्ववादी संगठन के जितने भी इस यात्रा में शामिल लोग थे वो कल्याण बाजारपेट पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे और यहां भी उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए और बिल्कुल उन नारों को हम यहां नहीं दोहरा सकते, उस तरह के नारे यहां लगाए गए हैं। इस मामले में कल्याण बाजारपेट पुलिस का कहना है कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। एक गुट का कहना है, यानी मुस्लिम गुट का कहना है कि जबरन मुस्लिम इलाके में आकर आपत्तिजनक, भड़काऊ और नारे लगा करके उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, जिसे रोका गया और उसका प्रतिकार किया गया। वहीं राम यात्रा निकालने वाले हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों का कहना है कि यात्रा पर हमला किया गया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने दोनों की शिकायतें ली है और इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है वो सामने नहीं आया है, मगर तीनों वीडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं, घटना जहां हुई है वहां और पुलिस स्टेशन के बाहर का माहौल, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ये पूरा घटनाक्रम है और कैसी आक्रामकता जो है वो दिखाई जा रही है। Son!